उत्तराखंड ट्रिप से होके आया हूँ और सिर्फ उस ट्रिप के लिए मैंने ये सनस्क्रीन को खरीदा था। गाइस एक चीज मैं आपको बता दूं कि आज से पहले मैंने कभी भी किसी ट्रिप पे जाने के लिए कभी मैं ट्रैवल करता था तो मैं सनस्क्रीन नहीं लेता था। कोई भी क्रीम वगैरह मिल जाती थी तो वो यूज कर लिया करता था या कोई मॉइस्चराइजर हो जाता था या किसी से मांग मांग के काम चल जाता था। बट अभी हम जो हैं सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हो चुके हैं, सो हमको अपने चेहरे का भी ध्यान रखना पड़ता है और आपका जाहिद जो है प्रोडक्ट रिव्यू भी करते रहता है। बहुत लोगों की डिमांड भी आती है रहती है कि सनस्क्रीन पर रिव्यू कर दो। सो इस चैनल पे पहली बार सनस्क्रीन का रिव्यू होने जा रहा है। सो ट्रैवल ट्रिप से पहले मैंने बस जिस दिन मेरी ट्रेन थी उसके एक दिन पहले मैं जाके इसको लेके आया था गाइज, और इसको अच्छे से मैंने 16 तारीख को निकला था मैं लखनऊ से, 17 को मैं देहरादून पहुंचा और 17 से लेके मैंने 22 तारीख तक डेली इसको अच्छे से यूज़ करा है। सो आज की वीडियो में जो भी मैं बोलूँगा वो मेरा पूरा ऑनेस्ट ओपिनियन होगा, क्या क्या हुआ मेरे साथ, कैसे इसको अप्लाई करते हैं, क्या इसके रिजल्ट थे, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड इन दिस वीडियो। सो अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग को ट्रैवल वीडियोस देखने का शौक है, फूड वीडियोस देखने का शौक है या डेली लाइफस्टाइल व्लॉगिंग देखने का शौक है तो आपके जाहिद का एक चैनल और है द जाहिद अख्तर शो नाम से, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। अभी कल ही रात को उस पर 7,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। गाइज एक चीज बता दूं कि उस चैनल पर मैंने जितनी मेहनत करी है, जितना पैसा इन्वेस्ट करा है ना, उस हिसाब से अभी इतना कुछ मेरे को आउटपुट देखने को नहीं मिल रहा है। बट आप लोग का अगर साथ रहेगा तो जैसा इस पे मोहब्बत प्यार व्यूज दिख रहे हैं उस चैनल पे भी दिखना शुरू हो जाएंगे। सो मेरी उत्तराखंड की जो पूरी ट्रिप है 8 एपिसोड निकालने वाला हूँ। एक एपिसोड ऑलरेडी आ चुका है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। सो 8 एपिसोड वो, उसके बाद कानपुर गए थे, वो सारी वीडियोज जो है उस चैनल पे आने वाली हैं। सो मेक श्योर कि आप उसको सब्सक्राइब कर लें और उस पे भी जो है मोहब्बत बरसाते जाएं। गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी प्राइसिंग की, क्योंकि सनस्क्रीन खरीदने में उसकी एमआरपी, उसकी प्राइसिंग का बहुत बड़ा हाथ रहता है। क्योंकि अनलाइक नॉर्मल कॉस्मेटिक या स्किन प्रोडक्ट्स, एक सनस्क्रीन जो है कंपैरेटिवली बहुत महंगा मिलता है। सो इस बायोटिक का जो प्राइस है वो लिखा हुआ है 200 रुपये, ये मेरे को पड़ा है 186, मतलब 186 रुपये, 14 रुपये छूट मिली है। इसको मैं किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से लाया था, एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता क्योंकि मैं इसको गोमती नगर से खरीद के लाया था। सो यदि आप इसको बिग बाजार से ले रहे हो या फैमिली बाजार से ले रहे हो या स्पेंसर से ले रहे हो या जहां जहां भी इनके बायोटिक के एक स्टॉल लगाए होते हैं हर डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, तो उस पर शायद 5-10% ही आपको डिस्काउंट दे देते हैं। यदि आप नायका से ले रहे हो तो उस पर भर भर के डिस्काउंट होता है। मैंने जो है गलती कर दी, क्योंकि नायका से इसलिए नहीं लिया मैंने क्योंकि नायका पे 500 रुपये से ऊपर की खरीद पे ही फ्री डिलीवरी होती है। सो उस पर छूट मिल जाती, 50 रुपये डिलीवरी के लग जाता, इसलिए मैं उसको ऑफलाइन लेके आ गया। सो गाइज प्राइस इसका 200 रुपये है। बात करें इसकी क्वांटिटी की तो 50 ml का ये ट्यूब है। अब वेरिएंट कौन सा है, वेरिएंट है ये बायो सैंडलवुड 50+ SPF का है ये गाइस। इसको 50 SPF खरीदने का रीजन जो था मैं वो आपको बता दूं, आप लेने को 15, 18, 24, 30 जो भी वेरिएंट्स आते हैं मार्केट में ले सकते हो। बट यदि आप ट्रैवल पे हो, यदि आप ऐसी जगहों पे हो जहां आपको पूरे दिन घर से बाहर ही, मतलब सुबह से लेकर शाम तक धूप में ही रहना है, ट्रैवल करना है, सो कोशिश करो कि 50 FPS प्लस यूज़ करो। इसको लेने की खास बात एक और थी गाइस, ये है वाटर रेसिस्टेंट। इस पे जैसे ये लिखते हैं कि वेरी वाटर रेसिस्टेंट, रिटेन्स SPF आफ्टर 80 मिनट्स इन द वाटर। सो ये इसकी काफ़ी अच्छी चीज़ लगी थी। दूसरी बात, ये जो है आसानी से आपके चेहरे पे एब्जॉर्ब हो जाता है, पता नहीं चलता है कि आपने किसी सनस्क्रीन को लगाया है, कुछ लगाया हुआ है। सो अब स्टार्ट कर लेते हैं हम इसकी पैकेजिंग से। तो पैकेजिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा क्लासी है और पूरी ट्रैवल फ्रेंडली है, जैसा कि मैं ट्रैवल ट्रिप से होके आया हूँ। सो कहीं से भी लीकेज वीकेज की नहीं हुई है। येलो कलर के ऊपर पैकेजिंग है, काफ़ी अच्छी इन्होंने जो है अपनी ब्रांडिंग रखी हुई है, देख सकते हो आप, बायोटिक, एडवांस आयुर्वेदा, फिर बायो सैंडलवुड 50+ SPF, UVA ऑब्लिक UVB सनस्क्रीन, अल्ट्रा सूदिंग फेस लोशन फॉर ऑल स्किन टाइप्स, आयुर्वेदिक रेसिपी, 100% बोटानिकल एक्सट्रैक्ट। अगर हम इसके बात करें कि इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है, तो इसमें लिखते हैं वाइट सैंडलवुड ऑयल 0.25%, विंटर चेरी रूट 2%, नाग केसर फ्लावर 1%, बाकी के 3-4 चीज़ें और हैं, स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप चाहो तो उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। बाद में लिखते हैं कि ऑर्गेनिकली प्योर एंड प्रिजर्वेटिव फ्री, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड फॉर सेफ्टी, नो एनिमल टेस्टिंग। गाइज इसको अगर आपको लेना होगा तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में फ्लिपकार्ट और अमेजोन का लिंक डाल दूंगा, आप चाहो तो वहां से जाके ले सकते हो। गाइज अब बात करेंगे कि इसको लगाते कैसे हैं और इसको लगाने के कितनी देर बाद धूप में आपको निकलना चाहिए। सो लगाने की जो प्रक्रिया है वो देख लीजिए। इनफैक्ट सारे सनस्क्रीन को ऐसे ही लगाया जाता है। सो आपको हल्का सा इसको हाथ में लेना है,
गाइस एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप अगर सनस्क्रीन लेने जा रहे हो तो आपको पता नहीं चल रहा कि कौन सा सनस्क्रीन लें, क्योंकि एक मैट फिनिश वाला आता है, दूसरा ये जेल बेस्ड आता है, तीसरा ये लोशन टाइप का आता है। सो कोशिश करो कि जेल बेस वाले या लोशन बेस वाले लो, जो कि आसानी से आपके चेहरे पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और दूसरा पता नहीं चलता कि आपने लगाया क्या होता है। सो मैंने हल्का सा इतना लिया है, इसको अच्छे से अब अपने हाथ पे पचकार से लगा के, और अब इस तरीके से याद रहे कि नेक पे भी लगाना है। गाइज इसकी फ्रेग्रेंस काफी ज्यादा अच्छी है, मतलब आप जब इसको लगाओगे आप कहोगे क्या लगा रहे हैं। अब आप देख सकते हो कि अच्छे से ये मेरे चेहरे पे एब्जॉर्ब हो चुका है, और यदि आपको पता करना है तो जस्ट 15-20 सेकंड पहले की वीडियो उठा के देख लो और अभी वाली वीडियो उठा के देख लो, पता ही नहीं चलेगा कि चेहरे पे कुछ लगाया है। इसी प्रकार से अपने हाथों पे भी लगा लीजिएगा, जो भी आपका हाथ एक्सपोज होता है, अगर आप हाफ टी शर्ट पहन के जा रहे हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक लगाइएगा, यहाँ तक शर्ट मोड़ के जा रहे हो तो जो भी एक्सपोज एरिया है आपका हाथ में वो भी आप इसको अच्छे से लगा सकते हो। बस इसको लगाने के बाद आपका काम खत्म। अब आप एटलीस्ट 30-35-40-50 मिनट, बोला जाता है कि एक घंटे बाद निकलो, बट जो मिनिमम एक चीज़ होती है कि 30 मिनट बाद इसको लगाने के आप धूप में जा सकते हो। ये गलती मत करना, चेहरे पे पोता और पोते ही धूप में निकल गए, शक्तिमान बनने की भैया आप तो कुछ हो ही नहीं सकता, धूप का कुछ हमारा नहीं कर सकता, एलर्जी हो जाएगी, लाल लाल दाने निकलने लगेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। सो इसकी जो एब्जॉर्बेबिलिटी की बात करें, मतलब चेहरे पे एब्जॉर्ब कैसे होता है, सो काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। अब इसके बाद आप जो है पानी से खेलिए, धूप में जाइए, सो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। गाइस अब बारी आती है मेरे एक्सपीरियंस और मेरे ओपिनियन की, कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस और क्या आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो गाइस पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि इसको मैंने खरीदा था 15 तारीख को, 16 तारीख को हम घर से निकले थे, 17 तारीख से मैंने इसको 24 तारीख तक यूज़ करा है, मतलब लगभग 7-8 दिन लगातार मैंने इसको यूज़ करा है। अब हम कोई चीज़ जब चेहरे पर लगा रहे थे तो क्या चीज़ देखते हैं कि दाने वाने तो नहीं निकल रहे, दाने नहीं निकले हैं, कोई प्रकार का साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। आज से पहले मैं जब भी कभी घूमने घामने जाता था तो बहुत ज़्यादा बॉडी टैन हो जाती थी, सो अभी टैन समझ जाओ पहले के मुकाबले 10-15-20% टैन हुई होगी बॉडी। एक चीज़ गाइस अब ये ध्यान रखना, दुनिया का कोई भी सनस्क्रीन लगा लो बॉडी टैन होगी ही होगी थोड़ी बहुत, बट जो पहले होती थी उस मुकाबले बहुत कम हो जाएगी। सो सनस्क्रीन लगाने के फ़ायदे मिलते हैं गाइस, वो मेरे को अभी पता चल पाया है। ये आप अगर मेरी जो वीडियोज़ देखोगे ना, पूरी व्लॉगिंग जो करी है मैंने वहाँ की, तब आपको देख के समझ आएगा, और अभी जो मुखड़ा ये देख के समझ आएगा या पहले वाली वीडियोस देख के समझ आएगा कि कितना फ़र्क चेहरे पे पड़ा है। मतलब थोड़ी बहुत टैनिंग हुई है वो तो मेरे को पता है, मेरे हाथ पर थोड़ा टैन हुआ क्योंकि पूरे दिन धूप में थे। सो ओवरऑल अगर बात करें सो ये हाईली रिकमेंडेड सनस्क्रीन है, मैं आपको बोलूँगा कि आप इसको जाके लो। अब बहुत सारे लोग हैं, एक तो आजकल मार्केट में बहुत सारा वो हो रखा है कि भाई इसमें केमिकल है उसमें केमिकल है, सो अगर आपको सनस्क्रीन लेनी है और आप चाहते हो कि उसमें केमिकल कम पड़े हुए हैं या ना के बराबर हो, सो बायोटिक इज़ द गुड ऑप्शन। मैं बायोटिक के बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हुए हैं, कुछ मेरे को अच्छे नहीं लगे हैं, सो उसके मैंने वीडियोज़ भी नहीं बनाए, बट ये वाला गाइस क्लास है, जाके इसको लेके आइए। क्योंकि बहुत सारे सनस्क्रीन में आप लोग, बहुत सारे यूट्यूबर ने वीडियोज़ बनाई कि बहुत सारे सनस्क्रीन में जिंक पड़ा है, केमिकल पड़ा है, बहुत सारी दुनिया भर के केमिकल हैं, सो अगर आप वो देख के डर गए हो तो बायोटिक का ये वाला उठा के लगा ला, यूज़ कर दो। अब ये ट्यूब कितने दिन चलेगा, अगर गाइस आप इसको लगातार यूज़ कर रहे हो डेली बेसिस पे तो मेरे को लगता है 25-26 दिन या 30 दिन आराम से चल जाएगा, अगर सिर्फ चेहरे की बात करें, अगर आप हाथ पैर में लगा रहे तो बात अलग है। अब एक चीज़ बताना भूल गया था कि 8 दिन मैंने लगाए हैं, मेरे साथ मेरे भाई ने भी 5 दिन यूज़ करा है, सो लगभग 13 दिन का यूसेज हमने करा है, और अब इसमें मुझे लगता है 8-10 बारी और चलेगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। सो अपना देख लीजिएगा कैसा बजट है आपका, क्योंकि 200 रुपये में अगर एक महीना चल रहा है तो ठीक ही है। अब गाइज एक चीज़ और ध्यान रखना कि सनस्क्रीन पोतने से पहले मेक श्योर कि चेहरा साफ़ सुथरा हो आपका, मतलब आपने नहा वहा के निकले हो या चेहरा धुला हो। अब ये मत करना कि सनस्क्रीन लगा ली उसके बाद फेस वॉश कर रहे हैं फिर लगा रहे हैं, समझ रहे हो ना बातें यार कि क्या नहीं करनी है आपको। आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करने के साथ साथ कमेंट कर दिया करिए, और यदि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आप हमारी जान है, और यदि आपको सब्सक्राइबर बनना है तो बस सब्सक्राइबर दबा के बटन घंटा दबा दीजिएगा, और यदि इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, हम भी यूज़ करते हैं, आके वहाँ फॉलो कर लीजिएगा। टिकटॉक पे आना है टिकटॉक पे हैं, वीगो वीडियो पे आना है वहाँ पे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे आप बोलिए हम वहाँ पे हैं। द जाहिद अख्तर को सर्च करने की देर है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, क्योंकि मैं जाऊँगा अभी इसको एडिट करने, खाना खाने, और कल
की तैयारी करने दूसरे वीडियो के लिए। सो इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें आपके जाहिद की जो बियर्ड है ये ख़त्म हो जाएगी। एक ट्रिमर का रिव्यू करना है 1000 रुपये के अंदर, अभी बता दिया है। सो अगर आपको देखना होगा तो खटाखट इसको जो है घंटा दबा दीजिएगा। और अब मैं मिलता हूँ सीधे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, अल्लाह हाफिज़।